नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धरती पुत्र किसानों की समस्याओं को लेकर इस समय चर्चाओं का बाजार गर्म है। समस्याएं क्या है, क्या नहीं है, क्या उनका समाधान है, राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, यह सबके सामने धीरे धीरे आती जा रही है। निशाना कहीं यहां और है और नजरें कहीं और हैं, सब जानते हैं। सरकार अपना पक्ष रख रही है, किसानों के नेता अपना पक्ष रख रहे हैं और समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है, पर राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने के मजबूर दिखलाई देते हैं। मामला जो भी हो, पर चर्चाएं तो होती हैं, चिंता का कारण बना हुआ है। हम इस समय बात करेंगे मध्य प्रदेश के दमोह की। तो दमोह में बंद का जो असर रहा वो बेअसर देखा गया। निर्धारित समय पर बाजार खुल गए, पर कुछ नेता अपनी पीठ थपथपाते देखे गए। उन्होंने कहा बंद का असर रहा। किसानों की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरने वाले लोगों की संख्या जो थी वह लगभग आधा सैकड़ा के करीब थी, पर किसान उनके साथ दिखलाई दिए नहीं। पर लगातार यह चर्चाएं कि क्या यह अपनी पीठ थपथपाने के लिए ये लोग मैदान में थे या किसानों की समस्या को लेकर वास्तव में मैदान में थे, चर्चाएं थी। इस समय जो बंद का आयोजन किया गया है, कितना असर है और कितना बेअसर है, इस बात को लेकर हमने चर्चा की दमोह के जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की प्रीतम सिंह लोधी से। प्रीतम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतम सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष हैं। प्रीतम जी, ये वर्तमान में किसानों की समस्या को लेकर एक आंदोलन चल रहा है और इस समय दमोह में भी बंद का आह्वान किया गया। विपक्ष का, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बंद पूर्णतः सफल रहा है। किसानों की समस्या जो है उसको लेकर आपकी पार्टी और आपकी सरकार क्या करने जा रही है, किस प्रकार का की उनकी योजना है और दमोह के बंद को आप किस नजरिए से देखते हैं? कांग्रेस द्वारा देश के किसानों को गुमराह किया जा रहा है। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कृषि बिल पारित किया है, निश्चित ही किसानों के हित में है। अभी तक किसान केवल अपना माल मंडी में बेच सकते थे, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ओपन मार्केट करके जो भी किसान चाहे अपने घर से बेच सकता है, बाजार में बेच सकता है, मंडी में बेच सकता है, समर्थन मूल्य पर बेच सकता है, ऐसे सभी विकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा खोल दिए गए हैं। तो इसमें जो किसानों के बीच में बिचौलिए थे वो आज परेशान हैं और उन बिचौलियों के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा ये देश बंद जैसे काम किए जा रहे हैं, निश्चित ही इसमें देश की हानि करने का जो काम है वो कांग्रेस के माध्यम से हो रहा है। मैं तो दमोह पूरा शहर घूमा हूँ, सुबह 11 बजे से लेके घूमना चालू किया था पूरा दमोह, एक भी दुकान मुझे बंद नहीं दिखी। निश्चित ही ये कांग्रेस के द्वारा जो राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया गया था पूर्ण रूप से दमोह में विफल रहा। पूरा दमोह जिला खुला रहा, इसमें कांग्रेस के लोग भी कहीं भी दिखाई नहीं दिए। तो सुना आपने, ये थे प्रीतम सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा जी किसानों के साथ में छलावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत बिल्कुल एकदम अलग हैं और उन्होंने पूरी बात को स्पष्ट किया। सरकार की नीति क्या है और भारतीय जनता पार्टी संगठन का सिद्धांत क्या है, किसानों के लिए वह क्या करने जा रही है और उन्होंने दमोह के बंद को बेअसर बतलाया। देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।